संदेश दोस्तों देता हूं, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचार धारा पैदा होती है और विचार धारा से समाज और देश का निर्माण होता है। पांच मिनट में संदेश, सामाजिक संदेश, आर्थिक संदेश, राजनीतिक संदेश और धार्मिक संदेश, मुझे लगता है संदेश पांच मिनट भी दिया जा सकता है। लोग जान सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला समस्या की जड़। सर, भारत में बहुजनों और मूल निवासियों की जितने भी डिस्कोर्सेस होते हैं, हम समस्याओं पे बात करते हैं, समाधान पे बात ही नहीं करते। समस्या की जड़ क्या है उस पे बात ही नहीं करते। व्हाट इज द प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की जड़ क्या है। दोस्तों, हर भारत में सभी तरह की समस्याओं की जड़ है। ब्राह्मणवाद, गांधीवाद, ये हर तरह की समस्याओं की जड़ है। और जातिवाद, अगर ब्राह्मणवाद को में से जातिवाद हटा दिया जाए तो गांधीवाद खत्म हो जाता है, और अगर गांधीवाद को हटा दिया जाए हो जाता है, और अगर गांधीवाद और जातिवाद को खत्म कर दिया जाए तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाता है। क्या ही ब्राह्मणवाद की बीमारी, समय कम है, इसका मुझको गम है, फिर भी मैं संदेश दूंगा। संदेश, ये ब्राह्मणवाद क्या है? एक लाइन में संदेश, गैर बराबरी की सोच और भावना रखना ही ब्राह्मणवाद। हमारे SC ST OBC के भाई आपस में ब्राह्मणवाद करते हैं। अगर वाल्मीकि बहुजन, वाल्मीकि जाति का बहुजन है और उससे चमार जाति का अगर उसको नीचा समझता है तो यही ब्राह्मणवाद है। पहले बहुजनों को आपस में, जातियों की जेलों में कैद लोगों में आपस में ब्राह्मणवाद को खत्म करना होगा। दूसरा संदेश, अवेकनिंग। सब्जेक्ट रखा अवेकनिंग, आगे मेरा रिक्वेस्ट है सब्जेक्ट में 3 शब्द जोड़ लिए जाएं। जब भी बहुजन आंदोलन हो, अकेला जागृति का आंदोलन नहीं होना चाहिए। अवेकनिंग, अवेयरनेस मतलब सोते हुए को जगाना, ठीक है ना भाई? अवेकनिंग जगाना ही नहीं है, दूसरा है चेतना, उसमें जगा करके चेतना पैदा करना। अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ साथ इनलाइटनमेंट वाला और जुड़ना चाहिए, और इनलाइटनमेंट के साथ साथ एक शब्द रेनेसांस और जुड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें पता है आप PhD स्कॉलर्स हैं, यहां बहुत सारे प्रोफेसर्स बोल के गए हैं, एक इंजीनियर, एक MBA, एक लॉयर, मैं यहां से एक संदेश देना चाहता हूं, अब सिर जगाने का समय गया, अब आने वाला समय है सिर्फ जगाने का नहीं है, जागृति का समय है, और जागृति का नहीं और क्रांति का समय आ गया है, बहुजन क्रांति का समय आ गया है। कैसे होगी? रूस में एक व्यक्ति है, लेनिन बोलता है क्रांति 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 क्रांति। मीडिया वाले ने पूछा, डॉक्टर साहब क्रांति कैसे होगी मिस्टर लेनिन? लेनिन उत्तर जो देता है वही मैं बहुजनों को संदेश देता हूं, भारत में बहुजन क्रांति कैसे होगी? इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आगे आने वाले 20 साल के बहुजन क्रांति का मैं संदेश दे रहा हूं, बहुजनों में क्रांति कैसे होगी? लेनिन जो उत्तर देता है, लेनिन कहता है
क्या आप जार की आक्रोश से पीड़ित हैं? क्या जार के शासन से पीड़ित हैं? तो फिर आप विद्रोह करिए। मैं यहां पूछता हूं, क्या भारत के 85 करोड़ मूल निवासी भोजन क्या ब्राह्मणवाद के द्वारा अप्लाई किए हुए आर्थिक आतंकवाद, सामाजिक आतंकवाद, शैक्षिक आतंकवाद और धार्मिक आतंकवाद से क्या पीड़ित हैं? और अगर धार्मिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो धार्मिक आतंकवादियों, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से एक संदेश देता हूं। क्या संदेश है? संदेश बहुत भारी संदेश है। बुद्ध गया आजाद कराओ, फिर मंदिर की बात करो। यह धार्मिक संदेश देता। आर्थिक संदेश जब भारत के रिसोर्सेस पर कौन व्यक्ति बोल रहा है? रिलायंस कंपनी में जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो एक रिलायंस कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस लेवल का आदमी बोल रहा, तो इकोनॉमिक्स में जो एमबीए है एफएमएस से और एमडीआई से, जब भारत के रिसोर्सेस में 93% रिसोर्सेस पर, 93% रिसोर्सेस पर जब 9% लोगों का कर्जा हो जाए, तो फिर 97% लोगों को 85% भोजनों, 4% जो बनियों और 3% क्षत्रियों और 0.5% ब्राह्मणों, मतलब कि 93% लोग भारत के रिसोर्सेस से बिल्कुल अलग है। ये आर्थिक आतंकवाद है, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते। शैक्षिक आतंकवाद पे चर्चा हो चुकी है, एजुकेशनल टेररिज्म, जैसा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने पहले बेंचों में बोल दिया है, मैं एजुकेशनल टेररिज्म की बात नहीं करना चाहता, मैं यहां से रिलीजियस टेररिज्म की बात राम मंदिर बनाने वालों को नहीं करना चाहता, मैं बहुजन क्रांति का संदेश देता हूं। क्रांति कौन करेगा? अरे क्रांति वो करेंगे जो समझ जाएंगे कि क्रांति करना उनके लिए अब आवश्यक हो गया है। 2019 का समय है, 2019 का समय है, यह बहुजन क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। इतना बहुजन कभी इस देश में प्रताड़ित नहीं हुआ, इतने अत्याचार कभी नहीं हुए, इतने बलात्कार कभी नहीं हुए, इतने इंटेलेक्चुअल्स के पीएचडी स्कॉलर्स के मर्डर कभी नहीं हुए, आत्महत्याएं कभी नहीं हुई, इतनी गुंडागर्दी भारत में, संविधान को जलाने वाले लोग सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं, तो भाई मैं यहां से राजनीतिक संदेश देता हूं। राजनीतिक संदेश है, संविधान बदलने वालों को बदल दो, बदल दो। समय मुझे लग रहा है समय हो चुका है, नहीं तो एक दो और संदेश देता, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है और उस मर्यादा में हर स्पीकर को रहना चाहिए। कभी और बात होगी तब बात करेंगे। दोस्तों एक अंतिम संदेश जो आज के समय के लिए बहुजन क्रांति के लिए, बहुजन क्रांति के नायकों, संदेश जरूरी है कि एक प्रदेश में मुख्यमंत्री दो प्रदेश में खुश हो गए। अरे हमें 19 प्रदेशों में 19 बहुजन मुख्यमंत्री चाहिए, 19 प्रदेशों में 19 29 प्रदेशों में 29 बहुजन मुख्यमंत्री चाहिए, ये उद्देश्य तो कम से कम बड़ा करेगा। दो चार मुख्यमंत्रियों से क्या होता है? अब इस बात से हो सकता हमारे कुछ साथी नाराज हो जाए, उसकी परवाह नहीं होती है इंटेलेक्चुअल्स को, इंटेलेक्चुअल्स को पर संदेश देना चाहिए, लोग बदल सकते हैं। मैंने कहा ना बदलने वाला चाहिए, समस्या की जड़ हमने बता दी, सब लोग जानते हैं, परिवर्तन कैसे होगा ये बात खत्म करता है, ये बात कैसे होगा पहले विचार में परिवर्तन होगा, फिर आचरण में परिवर्तन होगा, फिर संस्कार में और समाज में परिवर्तन होगा, फिर सत्ता में परिवर्तन होगा, फिर व्यवस्था में परिवर्तन होगा। ये कैडर की बात है, कैडर में। और मैं अंतिम सेंटेंस बोल करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं कि ये सर बस आज का यही संदेश है, इससे ज्यादा मैं नहीं आज बात करना चाहूंगा कि आज समय सबसे बड़े ये नेताओं को संदेश है।
जो ऑलरेडी जो अलग अलग पार्टियों से जो अलग अलग पार्टियों से जाते हैं पार्लियामेंट में, उनके लिए है, उनके लिए संदेश यह है किस तरह के तुम किस बात के एमपी एमएलए हो। अरे तुम्हें पता ही नहीं है जब मंत्रिमंडल जब बनता है तो जब उसमें ही अपना अधिकार आप नहीं ले सकते तो और बात बाहर की बात क्या है भाई। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, एक ही तो बनता, कोई एससी मिनिस्टर को, ये मिनिस्टर तो एक या दो बन गए बस बात खत्म। अरे भाई 67 लोग तो कम से कम 67 या 70 का मंत्रिमंडल होता है आपकी मिनिस्ट्री में। कभी भी वित्त मंत्रालय आपके पास नहीं होता है, कब हुआ बताओ मुझे, क्यों नहीं हुआ? धन पर कब्जा ना तब होता है ना अब होता है। न्याय व्यवस्था में अन्याय करने वाले लोग, अन्याय की व्यवस्था फैलाने वाले लोगों को उखाड़ने का समय आ गया है। और मेरे पास पर्ची आ गई है दोस्तों, अगर हो सकता है तो फिर 85% बहुजन लोग, 85% वोट वाले लोग अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते, मुझे समझ नहीं आता। ये 85% बहुजन लोग और नीला कलर क्यों नहीं अपना सकते? आपकी तो कुर्सियों के कलर नीले हैं, हमारी शर्ट का कलर